दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक्चुअल में ये वीडियो पूरी एक बार हम शूट कर चुके थे और कई सारे बच्चे कह रहे होंगे सर बहुत लेट कर दी आपने वीडियो। तो मेरे भाई एक बार पूरी वीडियो हमने ये शूट की थी लगभग 20 मिनट की और पूरी चली गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल करेंगे एक बार फिर से। ध्यान से समझ लीजिए, फोर्थ सेमेस्टर के जिन लोगों के डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर हैं, डिस्क्रिप्टिव का मतलब रिटन वाले जिनके पेपर होने वाले हैं, उन लोगों को बड़ी दिक्कत है कि सर जी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिल पा रहा है, कुछ तो मदद करिए। तो हमने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दी है सर, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में हमने आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी करा दी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करा दी, ठीक है, इस तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपीज हमने आपको करा दी हैं। प्लस जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हमने थर्ड ईयर वालों को पढ़ाया हुआ था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है थर्ड ईयर वालों को पढ़ाया हुआ था, वो सारी चीजें भी हमने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं। अब आप आराम से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कमेंट पिन कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये वीडियो पूरी देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने यहां पर लगभग 20 25 26 क्वेश्चन लगा दिए हैं। लेकिन आपको सर जी 26 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 26 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटजी रहेगी, इनमें से कौन से वो 7-8 क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग में आ सकते हैं, सब कुछ 1-to-1 डिटेल करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम BDKDNBSC पे। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर हमने लिख दिया है केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मेरे भाई ये लॉन्ग में तो नहीं आएगा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ये आदमी 11वीं क्लास से पढ़ने लगता है, सबको पता होता है कि अगर कोई छोटा सा पार्टिकल है अंधाधुंध गति कर रहा है, अगर आप उसका मोमेंटम निकाल लेंगे तो भैया मेरे पोजीशन नहीं निकाल पाओगे, पोजीशन निकाल लोगे तो मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, एक चीज हमेशा अनसर्टेन रहेगी, इसीलिए इसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला और मोस्ट वांटेड मेरे भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बाकायदा हमने कराई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, तब भी अगर हम भूल जाएं तो आप YouTube पर सर्च कर लेना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन BDKDN, सबसे ऊपर आ जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो लॉन्ग में आएगी। प्लस मेरे भाई हमने आपसे क्या कहा था, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में 3 करने होते हैं, 15 नंबर का लॉन्ग हो गया। उसके अलावा इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है अलग से पूछ लेता है, HSI बराबर ESI इसके बारे में बताना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर क्या होता है ये बताना है, IGN वैल्यू और IGN फंक्शंस क्या होते हैं ये बताना है, ठीक है, ये सब चीजें शॉर्ट में पूछ लेता है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है कि भैया किस तरीके से हम लोग पार्टिकल एक है जो एन इनफाइनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स, कोई वन डायमेंशनल बॉक्स है उसके अंदर कोई पार्टिकल रखा हुआ है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उस डेरिवेशन को आपको प्रूव करके दिखाना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो एक्चुअल में आप इसे 2 क्वेश्चन मान लो, ठीक है, लो 1 और ये 2, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से पेपर में एक आएगा, या तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सीधे सीधे आ जाएगी या फिर वन डायमेंशनल बॉक्स वाला पूछेगा, हो सकता है दोनों आ जाए तो आपकी चांदी कट जाएगी सर, ठीक है। प्लस इससे शॉर्ट में क्वेश्चन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर हो गया, ठीक है, इस तरीके की IGN वैल्यू IGN फंक्शंस ये सारी चीजें हो गई, तो ये सब कुछ आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ये बात पता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। फिर ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग में आएगा, कंसीडर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एज अ रिजिड रोटेटर, डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, गिव सिलेक्शन रूल, इसके आपको सिलेक्शन रूल देने पड़ेंगे, साथ ही साथ में रिजिड रोटेटर को मान के उसके लिए हमें रोटेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काम में आ जाएगा सर, ठीक है। तो ये 3 लॉन्ग हो गए, अब हम देखिए बताते हो जा रहे, टोटल 25 से 26 क्वेश्चन मैंने दिए जरूर है, लेकिन 7-8 लॉन्ग आपको बता रहा, 3 हो गए मेरे भाई, ध्यान रखना। चौथा हो गया NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये चौथा वो क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा ही आएगा। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इससे स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें, शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होती है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, अप फील्ड डाउन फील्ड क्या होती है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी लॉन्ग में तो आ ही जाएगी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, लेकिन शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं, तो अभी हमने बार बार देखिए लगभग 35 मिनट की हमने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई है, भगा के देखोगे 20 मिनट में खत्म हो जाएगी, और आपको 20 मिनट बाद ये समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या कंटेंट इसके अंदर है, फिर अगर शॉर्ट भी आता है चुटकियों में बना लोगे हम गारंटी ले रहे हैं। तो आराम से प्लेलिस्ट को देखो मेरे भाई, पास होने से तो कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके अंदर है मैक लैफर्टी रीअरेंजमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कल आप हमने ये वीडियो पब्लिक करी थी तो इसके स्टार बना के इसके स्ट्रक्चर वगैरह हमने अलग से उस पीडीएफ में दे रखे हैं, मैक लैफर्टी रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो है ही, लेकिन मैक लैफर्टी रीअरेंजमेंट अकेले 15 में आने भर का नहीं है भाई,
क्यों, ये साथ में आ जाएगा। तीन चार चीजें आपको दे दी हैं, उनमें से कोई एक आ गया, इस तरीके की चीज हो सकती है, अकेले आने लायक ये नहीं है, लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अकेले आ सकती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें आप पढ़ लेना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, PQR ब्रांचेस क्या होती हैं, स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, सबको पता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं, प्रकाश की चाल से चलती हैं, सब सुन रखा था छोटे क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, इस स्पेक्ट्रम में कौन, विजिबल लाइट्स होती हैं, एक्स रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, IR वेव्स होती हैं, सारी चीजें होती हैं ना मेरे भाई, तो पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, पूरा एक ग्रुप होता है, उस स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेना, खास करके विजिबल के बारे में पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, रेडियो के लिए, सबसे कम किसके लिए होता है, गामा के लिए होता है, ठीक है, वेवलेंथ। उसके बाद अगर हम बात करें विजिबल की कितनी होती है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, पता कर लो मेरे भाई ये सब चीजें। ऐसे अब ऐसा थोड़ी हम कोई स्क्रिप्ट लेके आए रट के बैठे हुए, नहीं, लाइव बना रहे ना, हमें याद है, तुम भी याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है सर। उसके बाद बॉर्न का ओपेनहाइमर जो एप्रोक्सीमेशन है, ये क्या है, ये शॉर्ट में आता है, शॉर्ट का मतलब क्या, दो या तीन नंबर, जो तीन नंबर वाला आपका क्वेश्चन आता है वो वाला आ जाएगा सर, ठीक। रमन की जो स्कैटरिंग है या रमन इफेक्ट कह लो मेरे भाई, ये भी पेपर में आपको मिल जाएगा, ठीक ठाक है, लेकिन रमन इफेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे मेरे भाई, क्योंकि एक्चुअल में रमन स्कैटरिंग आ जाती है, इससे कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी आ जाती है, लेकिन ये डिटेल में नहीं आता, ये लॉन्ग में आने लायक चीज नहीं है, किसी किसी पेपर में आ जाता है, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, लॉन्ग में नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप कॉम्पटन इफेक्ट को भी पढ़ें, ठीक। तो अगर हम यहां तक अभी गिनती करवा देंगे, हम आखिरी में 7-8 क्वेश्चन की, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, ठीक ठाक है, आपने पहले से पढ़ रखी है, प्लस डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें भी हम ऐड करवा देंगे, ना मिले तो सर्च कर लेना डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, बी डिकेडियन मिल जाएगी सर, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला लॉन्ग है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल टेकिंग एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के डेरिवेशन करा जाएगा, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी नहीं आएगी, तो इससे शॉर्ट में पूछ सकता है, शॉर्ट में क्या पूछेगा, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, या इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन है, मेटा स्टेबल आयन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, क्रोमोफोर क्या होता है, पास्कल का ट्रायंगल क्या होता है, ये ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट में भी हम बताएं, बेथोक्रोमिक हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, वुडवर्ड फिशर रूल क्या है, हुक्स लॉ क्या है, इल्यूजन क्या है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है, पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है, शॉर्ट की चीजें हैं, रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन ठीक ठाक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लॉन्ग का क्वेश्चन है बनेगा, क्वांटम नंबर्स ठीक ठाक है, SPDF के बारे में सब बेसिक चीजें आपने पहले पढ़ रखी फर्स्ट सेमेस्टर में पता होगा। उसके बाद आबाऊ लॉ, आबाऊ का प्रिंसिपल क्या है, पाउली का प्रिंसिपल क्या है, बोहर का मॉडल क्या है, सब सुना हुआ, MOT क्या है, बॉन्ड ऑर्डर में CO और NO दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, आइसोलेशन टेक्निक यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम आपको गिनती करवाएं, गिनती लो गिनो मेरे भाई, अगर आपको गिनती करवाएं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन कौन से इसमें से बन सकते हैं, तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसे चाहे आप एक नंबर दे दो, आप कहोगे सर जी नहीं एक मत दो, पोटेंशियल वाला पार्टिकल वाला अलग है, दो दे दो, दो नंबर दे दे रहे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इससे छोटे छोटे 101% आएगा मेरे भाई, कोई पेपर उठा के देख लेना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है नहीं आएगी, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा, आएगा जरूर मेरे भाई, तो एक तो यही हो गया, और ये नहीं आई तो इसके साथ में वन डायमेंशनल बॉक्स वाला डेरिवेशन, दो क्वेश्चन होगा, ठीक, दो क्वेश्चन के बाद ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है रिजिड रोटेटर मान के, तो ये तीन क्वेश्चन हो गए, तीन के बाद अगर हम लोग बात करें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी 4 हो गया, ठीक, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी चलो पढ़ लेना 5 हो गया, रमन स्पेक्ट्रम 6 हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट 7 हो गया, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम डायटॉमिक के लिए 8 हो गया, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी चलो मान लो 9 हो गया, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ला 10 हो गया, ये 10 क्वेश्चन वो हैं जो अगर कोई व्यक्ति कायदे से पढ़ लेता है तो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है उसके तीन के तीनों हो जाए, क्योंकि 5 में से सिर्फ 3 ही करने होते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं। बोहर का मॉडल क्या है, बोहर ने कही परमाणु दो भागों से बना होता है, एक नाभिक होता है, दूसरा नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग n/2π होता है, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं, इनमें ना तो ऊर्जा बढ़ती है ना घटती है, लगातार
चक्कर लगाता रहता है। लोबोहर की बात हो गई, आफबाऊ का नियम क्या कहता है, 1s2 ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल रखे जाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सारी चीजें वही तो आपने पढ़ रखी। पाउली का नियम क्या कहता है बताओ, पाउली ने कहा चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते, तीन का मान सेम हो तो चौथी का अलग हो जाएगा। MOT है, बॉन्ड ऑर्डर दिखाना होता है आराम से, सी और NO का पाई PX पाई PY बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग सब बना के दिखाओ ना सर, ठीक है। इस तरीके रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन सारी चीजें हमने ये पढ़ाई हुई है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। मैक्सवेल का बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ला कराया हुआ है, ठीक है, ये भी आप सर्च करोगे मिल जाएगा, प्लस हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमने कराई हुई हैं और बहुत ही आराम से इस पेपर में आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हो, 75 में 75। इसमें से जो चीजें हमने कराई हुई हैं उसे हम नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं ऐड कर देंगे, जो नहीं कराई हुई हैं 1-2 दिन के अंदर उनकी वीडियो हम पब्लिक कर देंगे, आपको मन लगा के पढ़ना है। 12 से आपके पेपर है ना सर, आज तारीख 7 ही हुई है, 10 तारीख तक ही हम सब करा देंगे बड़ी बड़ी क्लासेस बना के, आपको बस मन लगा के पढ़ना और पेपर दे के आना। उम्मीद करते हैं ये आपके बहुत काम का है। जो लोग मल्टीपल चॉइस वाले हैं उनके लिए भी मेरे भाई हम एक पूरी वीडियो लेके आने वाले हैं, जैसे अभी आज मेरी 3 वीडियो खराब हो गई, तो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, एक वीडियो डालेंगे केमिस्ट्री वाली सेकंड सेमेस्टर, उसमें पूरी PDF हमने कंप्लीट बना दी है। ऐसे एक वीडियो बॉटनी की डाल दी है, जूलॉजी की पड़ गई है, फिजिक्स की पड़ गई है, सेकंड सेमेस्टर फ्री हो गया। अब 4th सेमेस्टर की वजह से 2-3-4 वीडियो डाल देंगे ताकि बच्चा आराम से पढ़ के जाके पेपर दे पाए। तो अभी लगातार वीडियोज हम डाल रहे हैं, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे आप जाएंगे BD Kaden BSc सर्च करेंगे, ये PDF वहां पे शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ नहीं मिल रही है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, बहुत तरीके की चीजें यार। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो BD Kaden को, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या हो बता दिया करो, हम लगभग ही देखते हैं बैठ के, तो कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। सबके कमेंट इस समय पढ़ रहे हैं जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।